नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टारगेट एंटीजन नेट। दोस्तों, सब जानते हैं हाल ही में सुंदरलाल भोगना जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। सुंदरलाल भोगना जी जो कि एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, हर कोई उनको चिपको मूवमेंट की वजह से जानता ही है, एंटी टेरिडा मूवमेंट की वजह से भी जानता है, और जो भी इन्वायरमेंटल फील्ड में काम करता है या फिर इन्वायरमेंटल एंथुजियास्ट है या जिसको परवाह है पर्यावरण की, वो तो उन्हें हर हालत में जानता ही होगा। हाल की जो भी भारत के अंदर और फील्ड में भी काम कर रहा है, उनके लिए भी सुंदरलाल भोगना जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हर कोई उनका नाम जरूर जानता ही जानता होगा। तो ये वीडियो ऐसा श्रद्धांजलि उनके लिए है। हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे उनके बचपन के बारे में, उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या बुक्स उन्होंने लिखी हैं, लिटरेचर उन्होंने क्या लिखा है। तो थोड़ा सा एक इनसाइट उनकी ज़िंदगी में इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे, और आप इस वीडियो को देख कर आए हो थोड़ी सी प्रेरणा उनके जीवन से ले सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझ की कोशिश कीजिएगा उनके व्यक्तित्व को और क्या अच्छी बातें उनके जीवन से आप अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, सुंदरलाल भोगना जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, पर जिन लोगों को नहीं पता है, सुंदरलाल भोगना जी एक भारत इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट थे। भारत के अंदर पर्यावरण की जो नुकसान हो रहे थे उनसे लोगों को चेताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने कई सारे मेजर स्टेप्स लिए। चिपको मूवमेंट जैसे एक बड़े मूवमेंट में वो लीडर रहे, और उसके बाद एंटी टेरिडा मूवमेंट में भी उन्होंने लीड किया और काफ़ी सारे उनको ख्याति प्राप्त की विश्व में, और पर्यावरण की, हिमालय की, वनों की, इन सब की प्रिजर्वेशन रक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कराया। तो साथ ही साथ उन्होंने समाज कल्याण में ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ते रहे। तो इस तरीके से एक विशाल व्यक्तित्व के इंसान थे सुंदरलाल भोगना जी। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का, प्रेरणा लेने का हमारे लिए बहुत कुछ है उनके जीवन से सीखने के लिए। चलिए, लेकिन बात करते हैं उनके बचपन की, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में समझते हैं। सुंदरलाल भोगना जी का जो जन्म हुआ, वो हुआ मरोड़ा नाम के एक छोटे से गांव में, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उस समय उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, जो कि बाद में 2000 में डिवाइड करके अलग अलग बनाए गए। तो उस समय कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, January 9, 1927 में। सुंदरलाल भोगना जी और सारा जीवन उन्होंने बाहर के लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी रक्षा, उनके जीवन के बेहतरी के लिए स्ट्रगल किया है। उनके पिताजी अंबादत्त भोगना जी उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो प्रिंसली राज था टिहरी गढ़वाल, उस समय उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो काम करा करते थे। और बचपन से ही सुंदरलाल भोगना जी गांधी जी के विचारों से, जो उन गांधी जी के जो अहिंसा और सत्याग्रह जैसा आंदोलन था, इस सबसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे बहुत प्रेरित थे, और सारा जीवन उन्होंने उसी को फॉलो किया है। उनकी जो भी आप स्ट्रगल देखेंगे, जो भी एक्टिविटी, जो भी उन्होंने आंदोलन किए हैं वो आप देखेंगे, वो तो सारे नॉन वायलेंट हैं। फास्टिंग मेथड उन्होंने सब में अडॉप्ट किया है, और जो गांधी जी के विचारधारा को उन्होंने पूरी जीवन फॉलो किया है। तो भोगना जी श्रीदेव सुमन जी को भी बहुत एडमायर करते थे। श्रीदेव सुमन जी एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे उस समय, भारत के आज़ादी के समय में, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और 14 साल की उम्र में ही भोगना जी ने जो फ्री टिहरी गढ़वाल मूवमेंट है उसमें वो जुड़े, और 7 महीने लगभग जेल में भी रहे वो। सुंदरलाल भोगना जी 24 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और हालांकि जो 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है उसको भारत में विलय होने में 2 साल लगे, और अगस्त 1, 1949 को भारत में उसका विलय हुआ। कहा जाता है कि इसमें सुंदरलाल भोगना जी का एक बहुत अहम योगदान रहा है। उसके बाद सुंदरलाल भोगना जी ने 1956 तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, परंतु 1956 में उन्होंने शादी की विमला जी से। विमला जी ने उनके आगे शर्त रखी कि वो शादी तभी करेंगे जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि अपनी राजनीति को छोड़कर उनके साथ शादी करेंगे। तो उन्होंने शर्त को माना। साथ साथ सुंदरलाल भोगना जी ने भी शर्त रखी विमला जी से कि वो भी उनसे तभी शादी करेंगे जब वो उनके साथ गांव में आकर रहेंगी, और उनका सपना था कि गांव में एक छोटा सा आश्रम वो शुरू करना चाहते थे।
तो ये दोनों ने एक दूसरे की शर्त मानी और उन्होंने शादी की, और उसके साथ सुंदरलाल भोखड़ा जी का जो पॉलिटिकल करियर था उसका अंत हो गया और एक सादा जीवन उन्होंने सारी जिंदगी जिया। उनके अगर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सुंदरलाल भोखड़ा जी ने काफ़ी पहले से ही समाज कल्याण में कई सारे काम किए, दलित के उद्धार के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। 1950 में भोगड़ा जी ने कई सारे दलितों के साथ एक बूढ़ा केदार टेम्पल है वहाँ जाके वो गए और उन्होंने पूजा पाठ किया दलित परिवारों के साथ। तो उस समय कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात थी ये, और पूरे क्षेत्र में इस बात का पता चला कि ऐसा बड़ा काम सुंदरलाल भोगड़ा जी ने किया है। 1960 में जब शराब बहुत ज़्यादा चलन में आ गई थी पहाड़ों में, तब उन्होंने एंटी लिकर मूवमेंट शुरू किया पहाड़ में और उस कारण वो 3 बार जेल भी गए। 1974 में वो टाइम आया जब चिपको मूवमेंट शुरू हुआ। रैनी नाम का एक छोटा सा विलेज था ऋषि गंगा नदी के किनारे चमोली में, और वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी को ऑर्डर दिया कि कुछ पेड़ों को वो काट सकते हैं वहाँ पर, बट वहाँ के लोकल्स लोगों ने खासकर महिलाओं ने उसका विरोध किया और उन्होंने पेड़ों को हक किया या गले लगाया आप कह सकते हैं। और उन्होंने जो एक्समैन थे जो लकड़हारे वहाँ आए थे उनसे ये कहा कि इस पेड़ों को तभी काटे जब वो उन पेड़ों के साथ उनको भी काट देंगे, पर ऐसा वो कर नहीं पाए और वो पेड़ों को उन्होंने इस तरह बचाया। इस मूवमेंट को एक तरीके से लेड उस समय करे चंद्र प्रसाद भट्ट जी इस मूवमेंट से जुड़े थे, और उसके बाद भोगुणा जी ने भी इस मूवमेंट से जुड़े। और कहा जाता है भोगुणा जी का योगदान इसमें ऐसा इस प्रकार था कि जो चिपको मूवमेंट था रैनी विलेज निकल के पूरे उत्तराखंड में जो फैला वो फैला सुंदरलाल भोगुणा जी की वजह से। सुंदरलाल भोगुणा जी ने इसको पहाड़ों से निकाल के काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया, और आप बाद में आप देखेंगे कि चिपको मूवमेंट जैसे और भी मूवमेंट हुए, एपिको मूवमेंट हुआ और भी कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स इस टाइप के चिपको मूवमेंट्स इंस्पायर्ड मूवमेंट्स पूरे देश में आपको देखने को मिले। उन्होंने एक स्लोगन चिपको मूवमेंट में दिया पर इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये स्लोगन सुंदरलाल भोगड़ा जी ने दिया था चिपको मूवमेंट के टाइम पे। साथ ही साथ उन्होंने एक 5,000 किलोमीटर लंबी ट्रांस हिमालयन मार्च निकाली 1981 से 1983। गाँव गाँव वो गए अलग अलग क्षेत्रों में, पहाड़ों के गांव गांव जा जाके लोगों को जोड़ा, सपोर्ट मूवमेंट के बारे में बताया, सपोर्ट के लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया और उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है पेड़ काटने जैसा तो वो भी चिपको मूवमेंट जैसी मूवमेंट अपने गाँव में कर सकते हैं। वो उसके बाद 1980 के आसपास वो इंदिरा गांधी जी से मिले। इंदिरा गांधी जी ने से उन्होंने अपनी सारी बात है वो बताई, और इंदिरा गांधी जी ने तब 15 साल का बैन जो ग्रीन ट्रीज है उनकी कटिंग के ऊपर लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सक्सेस चिपको मूवमेंट रहा सुंदरलाल भोखड़ा जी के जीवन के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। उसके बाद उनका योगदान टेहरी डैम मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। टेहरी डैम 1978 में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टेहरी में लगाया जाएगा एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलंगा रिवर। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, बट लोकल्स इसके खिलाफ थे क्योंकि कई सारी जमीन उनके घर सब पानी के अंदर डूबने वाले थे, और उस समय जो लोकल फ्रीडम फाइटर थे वी डी सकलानी जी वो इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे। भगुना जी भी उस मूवमेंट जुड़े हुए थे उस समय, बट जो उसका लेड कर रहे थे यानी जो उसके मुखिया थे इस मूवमेंट के वो थे वी डी सकलानी जी। टर्निंग पॉइंट इसमें तब आया जब 1989 में सकलानी जी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और उन्होंने भगुना जी से इस मूवमेंट को लेड करने के लिए कहा। तो इस मूवमेंट में लीड उसके बाद भगोड़ा जी को मिली, और भगोड़ा जी ने कई सारे हंगर स्ट्राइक्स उसमें किए, और वो उनकी डिमांड एक ही थी कि फुल एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का एक निष्पक्ष रिव्यू होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 1995 में 45 दिन लंबा फास्ट किया, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया उनको कि डैम का काम रोक दिया जाएगा और गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट कमेटी को अपॉइंट करेगी जो कि सोशल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, प्रॉमिस झूठा निकला और काम चलता ही रहा डैम का। और उसके बाद उन्होंने 74 दिन का एक दूसरा फास्ट रखा। उस समय प्रधानमंत्री थे एचडी देवे गौड़ा, उन्होंने उसके एक पर्सनल अंडरटेकिंग दी कि इस प्रोजेक्ट का एक स्टैम्प प्रोजेक्ट का रिव्यू कराया जाएगा, मगर डैम जो था 2004 तक भरता रहा और भरी गया। उसके बाद भगुना जी और उनकी पत्नी विमला जी को वहाँ से और कई सारे और गांव वालों को फोर्सिबली वहाँ से हटाया गया और उन्हें घर अलॉट किए गए अपस्ट्रीम, यानी कि जैसे अब न्यू टेहरी जो बनाया है उस जगह क्षेत्रों में उनको घर दिए गए। हालांकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, परंतु सुंदरलाल भोगड़ा जी ने
कहते हैं कसम खाई थी कि जब तक वो चेंगेज के लिए लड़ते ही रहेंगे। और कई सारे टॉक्स में उन्होंने ये हमेशा कहा है कि टेहरी डाम नहीं सही है भारत इसके पर्यावरण के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने उसके बाद जीवन जीते रहे। उसके बाद वो वहाँ से टेहरी छोड़ के ऋषिकेश शिफ्ट हो गए और अपने जीवन के काफ़ी समय तक वो ऋषिकेश अंधे समय तक ऋषिकेश ही रहे। अगर उनके हम अवार्ड लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो सुंदर बहुगुणा जी ने जो इम्पोर्टेंट किताबें जो लिखी हैं वो हैं धरती की पुकार, इकोनॉमीज परमानेंट इकोलॉजीज परमानेंट इकोनॉमी, भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, इंडियाज एनवायरमेंट, मिथ एंड रियलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो मेरे ख्याल से हर किसी को पढ़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर किताबें हैं, बहुत ही प्रेरणादायक किताबें हैं। कई सारे अवार्ड्स भी उनको दिए गए, जिसमें जमन लाल बजाज अवार्ड 1986 में उनको दिया गया, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987 में दिया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड कहा जाता है कि नोबल पीस प्राइज़ के इक्विवेलेंट है, तो वो उनको मिला। उसके बाद पद्म विभूषण 2009 में मिला। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस फोटो में, हमारी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया गया। पद्म श्री अवार्ड भी उनको अवार्ड हुआ था, परंतु उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो सुंदरलाल बोगुणा जी को दिए गए। इसके अलावा कई सारे अवार्ड्स और कई सारा सम्मान उनको हमेशा मिलता रहा है, बट नोटेबली यही अवार्ड उनको दिए गए। जैसा आप सब जानते हैं, सुंदरलाल बोगुणा जी 8 मई को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लगभग 21 मई को उन्होंने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के टॉप लीडर्स ने, टॉप फिगर्स ने उनकी डेथ को कंडोल किया। भारत के राष्ट्रपति ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और कई सारे नेताओं और इम्पोर्टेंट फिगर्स ने उनकी डेथ को कंडोल किया और इस इनकी जाने को एक बहुत बड़ी क्षति माना। आप देख सकते हैं जो ट्वीट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और नरेंद्र मोदी का, उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके पढ़ने के लिए लगाया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अमूल ने एक बहुत सुंदर अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसके थ्रू उनको याद किया, उनकी डेथ को कंट्रोल किया। आप देख सकते हैं, वी विल ऑलवेज चिपको टू योर बिलीफ। मुझे ये एडवर्टीजमेंट बहुत सुंदर लगा तो मैंने इसको यहाँ लगाया है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा एडवर्टीजमेंट अमूल द्वारा दिया गया है। तो ये था उनके जीवन के बारे में छोटा सा चर्चा, और मैं मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनके जीवन से, बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। आप YouTube पर जाइएगा, उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ हैं, कुछ पुराने लेक्चर्स हैं, वो आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से वो समझाते हैं जब वो तो पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, तो और हर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। और मेरा पर्यावरण जुड़ने का एक कारण सुंदरलाल बोगुणा जी थे, ऐसा मानता हूँ। और आप सब भी उनके जीवन से प्रेरित हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ से शेयर कीजिए। और जो सुंदरलाल बोगुणा जी की मुहिम थी पर्यावरण को बचाने की, उसको हमें और आपको जिंदा रखना है। वो चले गए, उनके विचार अभी भी यहाँ पर हैं और उनके विचारों को हम आगे लेके चलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।